शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुना में सामूहिक सूर्य नमस्कार का जिला स्तरीय आयोजन संपन्न हुआ। आज स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुना में किया गया। इस अवसर पर माननीय विधायक गोपी लाल जाटव, कलेक्टर फ्रैंक नोबले, पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव, पतंजलि योग समिति के सदस्य डीपीसी ऋषि कुमार शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी सीए सिसोदिया, योग शिक्षक जिला योग प्रभारी काव्य अंजलि शर्मा, योग शिक्षक भागीरथ ओझा, शिक्षक मनोज शर्मा और पूरा स्टाफ इस दौरान उपस्थित रहा। इसी क्रम में शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुना में भी आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता और नगर पालिका उपाध्यक्ष धर्म सोनी द्वारा भी सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने भाग लिया। आज सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन सभी विद्यालय, महाविद्यालय और छात्रावासों में किया गया। आयोजन में हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं द्वारा उपस्थित होकर सूर्य नमस्कार योगासन क्रिया की गई। कार्यक्रम का प्रारंभ राष्ट्रीय गान और मध्य प्रदेश गान से हुआ और आकाशवाणी के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का प्रसारण भी किया गया। आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से सभी को संबोधित भी किया था और यहाँ पर एक सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया था एंड बेसिक सब योगा भी सिखाया गया था एंड सभी को प्रेरणा दी गई है कि इसको डेली अपने रूटीन में फॉलो करें। सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम है और स्वामी विवेकानंद जी का जो है ना आज जयंती भी है, जो सूर्य नमस्कार जो है ना पूरे गुना में नहीं मध्य प्रदेश में पूरे देश में कार्यक्रम जो है ना रखा गया है। ये हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी की जो है ना ये देन है। जब जब जो है ना इस प्रकार की जो है धर्म की सरकारें आती हैं तो ऐसे जो है ना जनता के लिए मतलब कोई ना कोई नया जो है ना कार्यक्रम आते हैं, इसलिए सफल हुआ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम। इसके साथ धन्यवाद के पात्र जिला प्रशासन, हमारा जिला शिक्षा अधिकारीगण और सभी छात्र छात्रा, सभी गुरुजन, सबको बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मातृ। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस को युवा दिवस के रूप में आज हमारे ऊना जिले में शिक्षा विभाग द्वारा मनाया जा रहा है और युवा दिवस पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे ऊना जिले के लगभग सभी हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी विद्यालयों में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम 9:30 बजे से 10:30 बजे तक आयोजित किया गया है, जिसकी रूपरेखा 9 बजे से तैयार करके 10:30 बजे तक संपन्न कराई गई है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग ले। ठीक, म्याना में आज समस्त शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ सूर्य नमस्कार का पर्व मनाया गया। सर्वप्रथम सभी विद्यालयों के प्राचार्य द्वारा मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। शासकीय स्कूल में सरपंच जय नारायण सोनी के साथ गणमान्य नागरिकों ने पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद सभी छात्र छात्राओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश सुना। इसके बाद सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया। विद्यालय के प्राचार्य ने अपने अपने विद्यालय में स्वामी विवेकानंद एवं सूर्य नमस्कार पर प्रकाश डाले। इस मौके पर सभी विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक एवं छात्र छात्राओं के साथ साथ म्याना के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। म्याना से मोहन शर्मा की रिपोर्ट। जो कि उनका पूरे युवाओं का एक संदेश था कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ विचार रहते हैं, तो इसके लिए कि योग ही संपूर्ण भारत में मनाया गया। ये सूर्य नमस्कार सब योगों का महायोग सूर्य नमस्कार है, उसके उपलक्ष्य में ही हमने ही सारे शासकीय और अशासकीय स्कूलों में और ग्रामीण स्तर पर भी युवा दिवस सूर्य नमस्कार के द्वारा ही हमने युवा दिवस मनाया गया। परिचय, मेरा नाम मुकेश कुशवाहा। आज 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय म्याना में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे गांव के सरपंच साहब आदरणीय श्री सोनी जी और जनपद सदस्य प्रतिनिधि आदरणीय श्री अवैध व्यास जी, मुकेश जी, कृपा महाराज जी, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ हमारे बीच में आए और हमारा कार्यक्रम अच्छे से आयोजित हुआ। बच्चों ने जो है मंच पर सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन किया और मध्य प्रदेश शासन की ओर से जो निर्देश थे
जो राज्य स्तर का कार्यक्रम था उसके अनुसार बच्चों ने सूर्य नमस्कार की गतिविधियाँ की। बच्चों को प्रेरक उद्बोधन आदरणीय सरपंच साहब और अभय व्यास जी ने प्रस्तुत परिचय एच एन जाटो प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल में। गुना जिले में आपदा से निपटने के लिए आपदा मित्र योजना अंतर्गत आपका मित्र वॉलंटियर्स की भर्ती की गई है, जिसमें कि इन वॉलंटियर्स को आपदा के समय सजग रहने और इससे निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में गुना कलेक्टर और एसपी सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। प्रशिक्षण का उद्देश्य वॉलंटियर्स को आपदा के समय लोगों को आपदा से बचाना है। इसको लेकर गुना जिले में नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से करीब 150 वॉलंटियर्स की भर्ती की गई है। ये आपदा मित्र योजना जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का भी बहुत जी। आपदा मित्र योजना के अंतर्गत ये आज कार्यक्रम हम लोगों ने आज रखा है, जिसमें यहाँ पर हमारे जो वॉलंटियर्स हैं लगभग टोटली 300 वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग होगा और इनको आपदा मित्र के रूप में ट्रेनिंग करके इनको फील्ड में भेजा जाएगा। एंड ये हमारे लिए जो जब भी आपदा के इशू टाइम पर ये लोग हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। कितने दिन ट्रेनिंग चलेगी? 12 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, आवासीय मतलब यहाँ पर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग रहेगी एंड इसकी पूरी प्लानिंग जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के थ्रू ये लोग हम लोग कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई ने बनाया था बजरंगगढ़ में आश्रम, दिग्विजय रहे हैं उनके शिष्य। खबर गुना से आ रही है। जिला कांग्रेस ने युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का जन्मदिन मनाया। हनुमान चौराहे पर एकत्रित हुए कांग्रेसजनों ने प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर मिठाइयां बांटकर उत्साह दिखाया और एक दूसरे को बधाई दी। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नूरुल हसन नूर और ग्रामीण जिला अध्यक्ष बान सिंह परसौदा ने स्वामी विवेकानंद से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे गुना के युवा अब तक परिचित नहीं थे। कांग्रेस नेता नूरुल हसन नूर ने बताया कि भाषण की शुरुआत में भाइयों एवं बहनों कहकर संबोधन देना प्रचलित हो गया। ये शब्द किसी और ने नहीं बल्कि महान युवा धर्मगुरु स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में दिए गए अपने बहुचर्चित भाषण में दिए थे, जिसका उल्लेख आज भी प्रत्येक भारतीय गर्व के साथ करता है। नूर ने बताया कि वे इसलिए स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं क्योंकि स्वामी विवेकानंद के गुरु पर रामकृष्ण परमहंस ही उन स्वामी कृष्णानंद के गुरु थे, जिनका मार्गदर्शन उन्हें पत्रकारिता में दिग्विजय सिंह को राजनीति में और गुना के विधायक पंडित कैलाश शर्मा को राजनीति व सार्वजनिक जीवन में मिला। स्वामी कृष्णानंद 60 एवं 70 के दशक में बजरंगगढ़ स्थित मां 20 भुजा देवी पर आश्रम बना रहे थे। उस समय के मुख्यमंत्रियों में गोविंद नारायण सिंह, पीसी मेठी, श्याम चरण शुक्ला, अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा का लगातार स्वामी जी के आश्रम में आवागमन बना रहता था। ग्रामीण जिला अध्यक्ष बान सिंह परसौदा ने स्वामी विवेकानंद द्वारा शून्य विषय पर दिए गए भाषण के बारे में विस्तार से युवाओं को बताया। इसके बाद कांग्रेस नेता रजनीश शर्मा के नेतृत्व में नेताओं और पदाधिकारियों ने प्रियंका गांधी का जन्मदिन मनाकर बधाई दी। कांग्रेस नेता पीजी कॉलेज स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क में भी पहुंचे, जहां स्वामी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूंगा, स्वामी विवेकानंद से और मेरे क्या संबंध? स्वामी कृष्णानंद मेरे गुरु, पत्रकारिता के गुरु, दिग्विजय सिंह के गुरु, राजनीति में गुरु, कैलाश शर्मा के गुरु। तो हमारे रिलेशन जो हैं वो यहाँ से जुड़े हुए हैं। रामकृष्ण जो मेरे और दिग्विजय सिंह जी और कैलाश शर्मा के राजनीतिक गुरु थे, पत्रकारिता में गुरु थे, उनके ही गुरु ये थे विवेकानंद। इनकी एज ज़्यादा नहीं हुई, नौजवानी में ये चले गए, लेकिन इनका जो स्मृति रही वो रही। अमेरिका में जो इन्होंने हिस्सा लिया था विश्व गुरु सम्मेलन में, उसमें भाई और बहनों जो आज आप किसी भाषण के पहले आरंभ करते हैं, भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम विवेकानंद ने अमेरिका में ये शुरू किया, जो आज तक इतना जबरदस्त प्रचलित हुआ कि कोई भाषण इस शुरुआत से पहले हो नहीं पाता।
तो मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है कि जो गुरु विवेकानंद जी के रहे रामकृष्ण, वो ही मेरी पत्रकारिता में रहे, वही दिग्विजय सिंह जी की पत्रकारिता में उसमें रहे राजनीति में, वही कैलाश शर्मा की राजनीति में है, ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। आज हम जो युवा दिवस जिनके नाम से मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर एकत्रित हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनकी ऐसी महानता रही है कि उन्हें उनकी विवेकानंद जी के नाम से ही स्मरण किया जाता रहा है। तो आज उनने जो हमें लक्ष्य दिया, उन्होंने जो हमें सूत्र दिए, वह आज ही चरितार्थ है। जैसे उनका सूत्र था, जागो उठो लक्ष्य की ओर बढ़ो, तब तक चलो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो, और जितने संघर्ष से हमें उपलब्धि मिलेगी उतनी संघर्ष के बाद उपलब्धि हमें प्रेरणा स्रोत रहेगी। ऐसे उनके लक्ष्य रहे हैं। ऐसे महान विभूति के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा युवाओं को संदेश देते हुए मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के मंडलाध्यक्ष श्री गोविंद प्रसाद शर्मा जी, कार्यक्रम के प्रभारी श्री उमा पटवा जी, श्री राजू यादव जी, श्री जयवर्धन परमार जी, किसान मोर्चा के कार्य समिति सदस्य देवेंद्र सिंह हल्के नेताजी, भाजपा महामंत्री श्री प्रीतम अहिरवार जी, अनुसूचित जाति से जिला मंत्री तुला राम जी, वरिष्ठ पार्षद श्री राजवीर जी, वरिष्ठ कांग्रेस वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री छगन लाल तिवारी जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता विष्णु जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री पंकज दुबे जी, राजेश तोमर जी, मंडल मंत्री लखन जाटव, किसान मोर्चा के अध्यक्ष लखन पुरी जी, महिला मोर्चा अध्यक्ष श्री रामकन्या यादव सहित कई लोग सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का संचालन दिलीप ओझा जी और आभार कपिल परिहार जी ने व्यक्त किया। आरोन से मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर जागो युवा जागो, भारत की युवा जागो, इसमें मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पधारे भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय मंडल अध्यक्ष आदरणीय गोविंद शर्मा जी, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष आदरणीय स्वामी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पत्रकार आदरणीय छगन लाल तिवारी जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष ज्ञानसिंह जी, जिला मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमती यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री प्रीतम सिंह जी, मंत्री, समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आज बड़ा एक गौरव का दिन है, जिसे हमको स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से देश के युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए। स्वामी विवेकानंद नगर के सनातन धर्म मैदान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के समापन कार्यक्रम में रातोगढ़ विधानसभा से विधायक जयवर्धन सिंह मौजूद रहे। विधायक जयवर्धन सिंह काफी देर तक रुके और कथा का आनंद लेते रहे। आरती में विधायक ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरोन से मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। साथियों का हमें विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है, मैं उनसे निवेदन करूंगा। आदरणीय श्री उदयभान सिंह जी राजपुर बंडी भैया, आदरणीय श्री भूपेंद्र जी ओझा छोटू भैया, राजेंद्र सिंह जी राजपुर छोटू तार्जन भैया, सोनू जी ग्वाल और हमारे बलराम जी शर्मा और रब्बू भैया, आप सभी हमारे सदस्यगण आए और आदरणीय हमारे विधायक महोदय को साल श्रीफल भेंट कर किशोरी जी के द्वारा भागवत कथा के आज समापन में यहाँ पधारे हमारे सभी धर्म प्रेमी साथीगण, सभी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमारी सभी माता बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे जो सभी नौजवान साथीगण हैं, जो हमारे गौ सेवा की पूरी युवा मंडली यहाँ विराजमान, अजय सिंह जी, कुशवा जी, हमारे नरेंद्र भैया,
इसी क्रम में मकसूदनगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने युवा दिवस के उपलक्ष में यंग इंडिया रन का आयोजन किया। पूरा मामला यह है कि मकसूदनगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल द्वारा युवा दिवस के उपलक्ष में यंग इंडिया रन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने रनिंग की और जीतने वाले बच्चों को भारतीय जनता युवा मोर्चा मकसूदनगढ़ मंडल द्वारा पुरस्कार दिए गए। वहीं कार्यक्रम मकसूदनगढ़ के लटेरी रोड सरस्वती शिशु मंदिर पर रखा गया, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। मकसूदनगढ़ से संवाददाता टोनी शाह की रिपोर्ट। आज आयोजन किया गया, बहुत अच्छा आयोजन हुआ है और अपने स्वामी विवेकानंद जयंती पे उपलक्ष्य में खेलेगा मध्य प्रदेश के तहत हमारा युवा मोर्चा मंडल ने बच्चों का अच्छे से रनिंग कराई है, बच्चों को बच्चियों का भी इसमें सहयोग रहा है और इसमें बच्चों को 1100 रुपये सेकेंड इनाम, फर्स्ट इनाम 2100 रुपये दिए गई है और सेकेंड इनाम 1100 और थर्ड इनाम 500 रुपये और अपनी बच्चियों को 1100 रुपये के बच्चियों को दिया गया है इनाम और सेकेंड इनाम 1100 और तृतीय इनाम 500 और 4 और 5 को भी दिया गया है बच्चों को इनाम। मकसूदनगढ़ क्षेत्र का चांचोड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने किया दौरा, क्षेत्र के लोगों की सुनी समस्याएं। इस दौरान चांचोड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने मकसूदनगढ़ सरकारी अस्पताल का निरीक्षण भी किया और मकसूदनगढ़ अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। इसके बाद चांचोड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह मकसूदनगढ़ में चल रही श्रीमद भागवत कथा में भी शामिल हुआ। मकसूदनगढ़ से संवाददाता टोनी शाह की रिपोर्ट। स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रघुवंशी स्मृति टेनिस बॉल 8 विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट में आज 12 जनवरी 2023 को फर्स्ट राउंड के 5 मुकाबले खेले गए। पहला मैच रमेश ड्राई क्लीनर्स राधा रानी वर्सेस ताजीम 11 क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर रमेश ड्राई क्लीनर्स राधा रानी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवरों में 151 रन बनाए। टीम के बल्लेबाज श्रीराम किरार ने 26 गेंदों में 6 छक्के और 8 चौकों की मदद से 84 रन नाबाद बनाए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी ताजीम 11 मात्र 56 रनों पर ऑल आउट हो गई। ये मैच रमेश ड्राई क्लीनर्स राधा रानी ने आसानी से जीत लिया। आज के दिन का दूसरा मैच शादाब 11 वर्सेस मावन क्लब कुशवाहा के मध्य खेला गया। टॉस जीतकर शादाब 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवरों में 2 विकेट पर 133 रन बनाए। जवाबी पारी में लक्ष्य का पीछा करते हुए कुशवाहा क्लब मावन 103 रन पर ऑल आउट हो गई। ये मैच शादाब 11 ने 31 रनों से जीता। आज के दिन का तीसरा मैच कंचन मोबाइल शॉप वर्सेस रियल 11 क्लब के मध्य खेला, जिसमें टॉस जीतकर रियल 11 क्रिकेट क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवरों से 4 विकेट पर 120 रन बनाए। टीम के बल्लेबाज दीपक झा ने 21 गेंदों में से 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से 56 रन नाबाद बनाए। जवाबी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी कंचन मोबाइल शॉप मात्र 63 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस प्रकार से ये मैच रियल 11 ने 57 रनों से ये मैच जीत लिया। आज के दिन का चौथा मैच रमेश ड्राई क्लीनर्स बी वर्सेस बीसीएस पीटर 11 के मध्य खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर बीसीएस पीटर 11 ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रमेश ड्राई क्लीनर्स बीडी ओवर में मात्र 74 रन ही बना सकी। जवाबी पारी में बल्लेबाजी करने उतरे बीसीएस पीटर 11 ने यह लक्ष्य मात्र 3 ओवर में 4 गेंदों में ही बना लिया। टीम के बल्लेबाज रितेश अग्रवाल गोटी ने 16 गेंदों में 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से 57 रन नाबाद बनाए और अपनी टीम को विजय दिलाई। आज के दिन का पांचवा मैच अंतिम मैच एमपीईबी क्लब वर्सेस मारुति क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर एमपीईपी क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवरों में विशाल का 141 रन बनाए। टीम के बल्लेबाज शाहरुख और अजय ने 47 और 33 रन बनाए। जवाबी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी मारुति क्लब मात्र 70 रन ही बना सकी। इस प्रकार से ये मैच एमपीईबी क्लब ने 72 रनों से जीता। कल दिनांक 13 जनवरी 2023 से टूर्नामेंट के सेकेंड राउंड के मैच आरंभ होंगे।
कंजिया पिपराई गांव के मध्य नॉन इंटरलॉकिंग का काम लगभग अंतिम चरण में है। आज गुनेरू बमौरी स्टेशन पर काम हेतु 5 घंटे का ब्लॉक अनुमत। पश्चिमी मध्य रेल भोपाल मंडल के बीना गुना रेल खंड के रेल लाइन दोहरीकरण के तहत कंजिया पिपराई गांव स्टेशनों के मध्य नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के तहत आज दिनांक 12/1/2023 को गुनेरू बमौरी स्टेशन पर 5 घंटे का ब्लॉक अनुमत किया गया है। सभी काम निर्धारित ब्लॉक की अवधि में संपन्न किया गया। कंजिया पिपराई गांव के मध्य नॉन इंटरलॉकिंग का काम पूरा होने के बाद दिनांक 20/1/2023 को रेल संरक्षा आयुक्त मध्य व्रत के निरीक्षण व अनुमति के उपरांत इस खंड पर रेल यातायात खोल दिया जाएगा। मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय के कुशल मार्गदर्शन में मंडल के परिचालन इंजीनियरिंग संकेत एवं दूर संचार विद्युत TRD विभाग के उपविभागाध्यक्ष अधिकारियों के समन्वय से रेल विकास निगम लिमिटेड के मुख्य परियोजना प्रबंधक धर्मेंद्र कुमार पांडे के नेतृत्व में ये काम किया जा रहा है। इस कार्य के पूर्ण हो जाने पर इस खंड पर रेल यातायात सुगम हो जाएगा। श्यामोपुत्र सुरेंद्र रघुवंशी निवासी नई सराय ने बताया कि बीती रात 9:30 बजे शादी का सामान खरीदकर गुनासी गांव नई सराय बुलेरो से घर जा रहे थे। 2 खम्बा बाईपास पर स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ने बुलेरो में टक्कर मार दी है, जिसमें इच्छा पुत्री भानु रघुवंशी उम्र 14 वर्ष निवासी बमोरी ताल चाडोरा की मौत हो गई है। 3 घायल हो गए, जिनमें उम्र 35 साल प्रिया पुत्री श्याम सिंह रघुवंशी उम्र 21 साल एवं विशाल पुत्र। कौन की मौत हुई, पूरी क्या घटना है? मेरी भतीजी थी, मेरे भैया की लड़की। क्या नाम था उनका? इच्छा रघुवंशी। कितने साल की? 14 साल की लड़की थी। अच्छा, गुना से कहाँ जा रहे थे? गुना से नई सराय की ओर जा रहे थे, 2 खम्मा पे सामने से गाड़ी टेक ओवर कर उसमें दे के चली गई। हमारी बोलेरो गाड़ी थी और उसकी स्विफ्ट गाड़ी थी। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? नई सराय गुना से। हाँ, सामान खरीद के। हाँ, सामान, शादी का सामान खरा। 10-12 दिन बाद शादी थी हमारे घर पे नई सराय में। सामान देने कितनी बजे जा रहे थे? यहाँ से करीबन 9:30 बजे का टाइम हो। रात में कहाँ पे टक्कर मारी? 2 खम्मा। अच्छा, आपका क्या नाम? नरेश रघुवंशी। कहाँ रहते हो? बामोरी ताल साडरा। गुना जिले के चाचोरा पुलिस ने करीब 5 लाख रुपए की स्मैक बरामद की है। पुलिस ने राजस्थान से गुना जिले में स्मैक खपाने आए एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी पकड़ लिया गया है, जिसके खिलाफ NTPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी की कार भी जब्त कर ली गई है। बताया गया है कि स्मैक का वजन 50 ग्राम बताया जा रहा है। बता दें कि राजस्थान से गुना की ओर स्मैक तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि गुना पुलिस लगातार मुस्तैदी कर रही है और ऐसे कई तस्कर को हिरासत में लिया है, जो राजस्थान से स्मैक खरीदकर इसे जिले के युवाओं को बेचते हैं। पुलिस ने राजस्थान जाकर भी तस्कर की धरपकड़ की है, इसके बावजूद तस्करों का नेटवर्क ध्वस्त नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र धाकड़ ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा खेलेगा मध्य प्रदेश का आगाज करते हुए एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें मैराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की मैराथन दौड़ साथी पार गुना से शुरू होकर जोगगंज चौराहा हाट रोड हनुमान चौराहा होते हुए वापस साथी पार पर जाकर समापन हुआ, जहाँ विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्या आयोजन हो रहा है? आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज खेलेगा मध्य प्रदेश अभियान का आगाज करते हुए राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एवं स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में आज युवा मोर्चा इस मैराथन का आयोजन कर रहा है और स्वामी जी के जो प्रेरणादायक जीवन परिचय उनका रहा है, उसका सभी पालन करते हुए अनुसरण करते हुए ऐसे सबसे आह्वान है कि युवा उनके जीवन का अनुसरण करें। धन्यवाद। कहाँ से कहाँ तक जाएगी मैराथन दौड़? मैराथन दौड़ जो है लक्ष्मीगंज से आरंभ होते हुए जयस्तम चौराया हाट रोड हनुमान चौराहे से एवी रोड से वापस शास्त्री पार्क पर समापन होगा। आपका नाम और पद? वीरेन धाकड़, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष। मोनू पुत्र किशनलाल कुशवाहा उम्र 30 साल निवासी सेमरा थाना म्याना में बताया गया कि जीजा दौलत सिंह कुशवाहा की पुरानी रंजिश पर बल्लापुर गांव में बीज बचाव करने पर 20-25 बल्लापुर के निवासियों ने पत्थर बरसाकर जीजा साले दोनों को घायल कर दिया है। घर में छुपने पर ग्रामीण जन घर के ऊपर चढ़कर दोनों को खींचकर बाहर पत्थरों से मारा। गंभीर घायल साला मोनू कुशवाहा को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। म्याना पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। क्या नाम है? मोनू। पिताजी का नाम? किशनलाल। कहाँ रहते हो? सेमरा। बताओ ये कहाँ पे मारपीट हुई आपकी? ये बल्लापुर में।
अच्छा नल के पास में मंदिर के बगल से। अच्छा वहाँ पे मारपीट करी मैंने बचा बची मैंने है उनने वहाँ भी मारा मेरे को वहाँ से फिर गया और मैं घर आ गया फिर घर पे आने के घर में खींच के जी। कारण क्या रहा मारपीट करने का है? क्या कारण था मारपीट क्यों करी जी आजी की तनप तू मैं वो कई योगी ने का पैसो रहे जी आजी गाँव वालों से और एक जन है तो गाँव वालों से बहुत जने आवाने फिर मैंने ही मारे मैं ही मारे। अच्छा और का फिर हम वहाँ से भाग के घर पे आ गए फिर घर पे आए पूरे जने बहुत जने जोर पे फतरा लट ले ले घर में घुस के ऊपर चढ़ गए और का कंकु जाओ बोल से गन्न पे चढ़ा लगे फिर और फतरा था बन्ने से मेरे जो सिर में फर गया जीना पकड़ो तुम सुबह जीना बस नीचे गिर गया फिर मुझे होश ही नहीं। अच्छा हाँ खून की तलवार लगे बहुत खून निकलाओ यहाँ था ना। आयुक्त ग्वालियर दीपक सिंह और कलेक्टर फ्रैंक नेबोल एक के कुशल निर्देशन और एसडीएम गुना वीरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में समझौता से समाधान योजना अंतर्गत समाधान आपके द्वार कार्यक्रम के तहसील बमोरी अंतर्गत तहसीलदार बमोरी श्री गौरीशंकर बेहरवा और राजस अमला द्वारा ग्राम बरोदिया के कृषक प्रेमन पुत्र मथुरा धाकड़ के सीमांकन के आवेदन पर ग्राम बरोदिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 129 रकमा 0.157 है। भूमि पर प्रधुमन पुत्र मथुरा मान्या पुत्र मिश्री और 56 लाल का पुत्र मिश्री लाल में आपसी विवाद था। मौके पर जाकर समझौता से समाधान के तहत परिचर्चा करके आपसी समझौता से सीमांकन उपरांत भूमि सीमा और रास्ता का विवाद मौके पर सुलझा दिया गया है। मौके पर प्रद्युमन पुत्र मथुरा ने अपने खेत में सी मान्या पुत्र मिश्री 56 लाल पुत्र मिश्री के 10 फीट का रास्ता दे दिया। बदले में रास्ते में जितना क्षेत्रफल पाया और उतने क्षेत्रफल मौके पर मान्या और 56 लाल ने अपने खेत में दे दिया है। मौके पर चूना लाइन डालकर रास्ता कायम कर दिया गया। कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए द्वारा विकासखंड चाचुड़ा को औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने ग्राम कुसुमपुरा में एनिकट सीसी रिसोर्ट भेजने के निर्देश दिए। साइट में बोर्ड नहीं पाए जाने पर बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। उक्त कार्य के लिए जो भी सब इंजीनियर रहे हैं उन पर कार्रवाई प्रस्तावित किए जाने के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायत कुसुमपुरा में एनिकट घाटी के पास सीसी जारी करने वाले संबंधितों के विरुद्ध FIR दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। तालाब निर्माण वर्गत के पास कुसुमपुरा कार्य की सीसी और निर्माण फाइल TA सहित समस्त अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। पोखर तालाब निर्माण बटिया वाला श्यामपुरा सीसी की कॉपी और फाइल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायत कुसुमपुरा में प्रभुलाल की खोरी तालाब निर्माण हेतु स्वीकृत 13 लाख के निर्माण कार्य में अधिकतम 2.5 लाख का ही कार्य किए जाने पर मूल्यांकन करने संबंधित सब इंजीनियर को पद से पृथक करने के निर्देश दिए गए हैं।